Hello students, we are going to read chapter 1 power sharing of political science class 10th. Student, this is the last video of this chapter. In first video you have looked at the condition of Belgium and in second video you have looked at the condition of Sri Lanka. And in this video you are going to look types of power sharing. Types of power sharing. First, horizontal division of power sharing. Second, vertical division of power sharing. Third, power sharing among social groups. Fourth, power sharing among political parties. Now, we'll look one by one to each. First, horizontal division of power sharing. You are looking well here. This is divided in three organs: legislature, executive, and judiciary. And you are looking inside, they all interpret the work of each other and make balance. इसका मतलब ये है कि ये जितने भी government के organs हैं, ये एक दूसरे के कार्यों की समीक्षा करते हैं, जिससे ये कुछ भी गलत करने से बचते हैं. तो इस तरह से ये check और balance का काम भी करता है. दूसरा आप देख रहे हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग. स्टूडेंट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के तीन लेवल की बात कही गई है. पहला सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मतलब है म्यूनिसपालिटी एंड पंचायती राज का, मतलब ग्राम पंचायत से है. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया गया है. इनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, जिनको जिनके लिए तीन लिस्ट भी बनाए गए हैं. तो इसलिए ये अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं. तो क्या होता है कि एक फेडरेशन का निर्माण होता है. इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि दिस थिंग्स आर लेवल मेक ए कंट्री फेडरल. फेडरल से मतलब है संघीय, एक संघीय राष्ट्र का निर्माण करता है. तीसरा यहाँ पर दिया गया है पावर शेयरिंग एमंग सोशल ग्रुप. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोई भी देश हो, आप उदाहरण के तौर पे इंडिया को ले सकते हैं. यहाँ पर कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग हैं, कई बोली भाषा के लोग पाए जाते हैं. सबको, सबके अपने अपने अलग अलग हित हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, और उनको वो प्रोवाइड कराया गया है, जिससे समाज में शांति व्यवस्था मेंटेन है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देयर इज फाउंड मेनी सोशल ग्रुप्स इन ए सोसाइटी. सेकेंड पॉइंट, दे ऑल शुड बी गिवन देयर राइट फॉर देयर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. उनको राइट दिया गया है जिससे उनकी, उनका रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी मेंटेन है. इंडिया एंड बेल्जियम इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बेस्ट पावर शेयरिंग. फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर को शेयर किया गया है. आप जानते हैं कि अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती हैं, तो वो छोटी पार्टियों से गठबंधन करती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए. इस तरह के कुछ उनको अधिकार मिले गए हैं, जिससे छोटी पार्टियों को भी सम्मान मिलता है. ये भी पावर शेयरिंग का एक तरीका है. अब आप देखने जा रहे हैं स्टूडेंट लास्ट में कि व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल, मीन्स पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए. तो इसके यहाँ पर दो कारण बताए गए हैं. एक तो दिया गया है मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, और दूसरा दिया गया है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. मॉरल रीजन में बताया गया है इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. पावर से शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है, जिसके कारण से पावर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाना चाहिए. अगर किसी लोकतंत्र में जितना अधिक पावर को डिवाइड किया गया रहेगा, उतना ही अधिक लोकतंत्र वहाँ का मजबूत होगा. अब दूसरा दिया गया है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, मीन्स मेन तार्किक कारण क्या है पावर शेयरिंग का. तो इसके भी तीन पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं. इट मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर, सोसाइटी में शांति व्यवस्था बनी रहती है.
इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये किसी भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखती है और देश में अस्थायित्व बना रहता है। इट इज़ द मेन बेस ऑफ डेवलपमेंट, और विकास का मेन आधार है पावर शेयरिंग। तो स्टूडेंट, इसलिए पावर को अधिक से अधिक शेयर किया जाना चाहिए, लोगों को लोगों के अधिकार को दिया जाना चाहिए। अब लास्ट में आपको कुछ होम असाइनमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज चेक एंड बैलेंस। तीसरा है, व्हाट इज मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और चौथा है, व्हाट आर प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।